हाय गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बलराम मैकेनिक राइडर। यामा का FZ बाइक है दोस्तों, ये वर्जन 3 मॉडल है। और इसमें देखिए, मैं चाबी ऑन कर रहा हूँ, इग्निशन की ऑन कर दिया, उसके बाद चेक इंजन लाइट एक बार जलना चाहिए और चला जाना चाहिए, लेकिन कंटिन्यू जल रहा है, कुछ एरर आया है। और इसमें मिसिंग भी मार रही है ज़्यादा करके, और स्टार्टिंग ट्रबल भी दिखा रहा है। और बाइक ज़्यादा किलोमीटर नहीं चली है, 25,000 किलोमीटर चली है टोटल, आपको दिख रहा होगा। देखिए, और इसमें देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कितना मिसिंग कर रही है। स्टार्टिंग में ट्रबल कर रहा है और मिसिंग कर रहा है, इसका डिटेल मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ दोस्तों। आप लोग देख पा रहे होंगे कैसे मिसिंग मार रहा है। देखिए RPM भी ड्रॉप हो रहा है दोस्तों, बहुत डाउन हो रहा है RPM, आपको दिख रहा होगा। इस तरह का प्रॉब्लम आपके पास आ रहा है तो आप इस तरह से प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो, मैं आप लोग को फुल डिटेल में बताने वाला हूँ दोस्तों। देखिए, जैसे मैं थ्रॉटल दे रहा हूँ, ऑटोमेटिकली RPM डाउन हो रहा है और चेक इंजन लाइट कंटिन्यू जल रहा है दोस्तों, आपको दिख भी रहा होगा। इस तरह का प्रॉब्लम कर रहा है, देखिए इस तरह का प्रॉब्लम कर रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वर्जन 3 मॉडल है और इसमें थ्रॉटल जितना भी खींचो इस तरह का प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप लोग को मैं दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे कुछ चूहा वगैरह इसका वायर कट कर दिया, चूहा जो है इसका वायर को कट कर दिया है, आप देख पा रहे होंगे, चूहे कट कर दिया है वायर को। और यहाँ पे OBD कनेक्टर है, आपको दिख रहा होगा रेड कलर में जो है, मैं OBD कनेक्टर लगा चुका हूँ और क्या फॉल्ट है मैं आप लोग को दिखाऊंगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए डिवाइस लग चुका है, उसके बाद इग्निशन को ऑन करते हैं, ऑन हो चुका है देखिए इग्निशन, चेक इंजन लाइट भी कंटिन्यू जल रहा है, चला जाना चाहिए एक बार जल के, लेकिन कंटिन्यू जल रहा है। और जैसे मैं अभी आप कनेक्ट कर रहे हो तो आपको क्या करना है, टर्क प्रो एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है दोस्तों। इसमें टर्क प्रो एप्लीकेशन में मेरे पास पहले से ही है, और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कनेक्ट हुआ कि नहीं एप्लीकेशन के साथ। देखिए कनेक्ट हो गया, जब कनेक्ट होगा यहाँ पे ब्लिंक करेगा दोस्तों डिवाइस के अंदर, देखिए ब्लिंक कर रहा है तीनों बल्ब, ठीक है जल रहा है। उसके बाद यहाँ पे फॉल्ट कोड है, इसको टच करना है दोस्तों, उसके बाद 3 डॉट को टच करना है और रिफ्रेश मारना है। जो भी प्रॉब्लम आया है यहाँ पे दिखा देगा दोस्तों, जो कोई भी सेंसर का प्रॉब्लम आया है या कुछ आ रहा है तो दिखा देगा। यहाँ पे 100 तक रीडिंग आएगा, उसके बाद यहाँ पे दिखाएगा दोस्तों। देखिए रीडिंग आ रहा है, रीडिंग बढ़ रहा है धीरे धीरे करके, और अभी यहाँ पे दिखाएगा दोस्तों क्या प्रॉब्लम है। और यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे, यहाँ पे थ्रॉटल पैडल पोजिशन सेंसर का दिखा रहा है और ऑटो सेंसर का भी दिखा रहा है, कुछ सेंसर का यहाँ पर प्रॉब्लम दिखा रहा है दोस्तों। ये सारे सेंसर को एक बार मैं क्लीन करके देखता हूँ, हो सकता है क्लीन करने से ठीक हो जाएगा। सारे दोनों साइड का पैनल कवर निकालना पड़ेगा दोस्तों, तो हो सकता है इसको क्लीन करने से हो जाएगा, क्लीन करके देखेंगे। उसके लिए पहले कपलर को निकालना पड़ेगा, देखिए ये कपलर है, इन दोनों सेंसर का है, आपको दिख पा रहे होंगे, इंटेक एयर सेंसर का है और आपको दिख पा रहा होगा यहाँ पे, और एक सेंसर लगा हुआ है थ्रॉटल पैडल पोजिशन सेंसर का, उसको भी निकालते हैं। दोनों सेंसर को निकाल के मैं क्लीन करने वाला हूँ दोस्तों। देखिए कपलर निकल चुका है, उसके बाद इसका सेंसर को निकालेंगे, अच्छा से क्लीन करेंगे एक बार, आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे एलेंकी बोल्ट दो दे रखा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्टार एलेंकी है, यहाँ पे 4 mm का आपको स्टार एलेंकी से खोल पाओगे, क्योंकि इसका बोल्ट अलग टाइप का दे रखा है, जो स्क्रू लगा हुआ है अलग टाइप का है दोस्तों। तो इसको मैं खोल देता हूँ, उसके बाद मैं दिखाऊँगा। इसमें ज़्यादा मिसिंग मार रहा है जो बाइक है, बहुत ज़्यादा मिसिंग मार रहा है, आप लोग को तो दिखा दिया मैंने, बहुत मिसिंग मार रहा है। हो सकता है फ्यूल पंप की वजह से भी मिसिंग मारता है, लेकिन जो सेंसर का एरर आ रहा है उसको मैं क्लीन करके देखता हूँ पहले। आप भी ऐसे कर सकते हो, पहले ऐसे खोल के चेक करना है, क्लीन करना है, उसके बाद मिसिंग फिर बढ़ रहा है, सही नहीं हो रहा है, तो उसका प्रोसेस आगे कैसे बढ़ना है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों। देखिए उसका जो सेंसर निकल चुका है ऐसे रहता है, आपको दिख पा रहे होंगे, आप देख पा रहे होंगे ऐसे रहता है दोस्तों, ठीक है। और छोटा सा ओरिंग एक रहता है, लेकिन उस टाइम खोलते टाइम निकालते टाइम आपको देखना है, हो सकता है ओरिंग गिर जाएगा। यहाँ पर देखिए मैं आपको जैसे ही रेस दूंगा, थ्रॉटल दूंगा, देखिए यहाँ पे ऐसे अप डाउन करता है दोस्तों, यहाँ पे मैग्नेट लगा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। देखिए मैं थ्रॉटल बढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे अप डाउन होगा दोस्तों, देखिए अप डाउन हो रहा है, इसके अंदर मैग्नेट रहता है और कुछ नहीं रहता दोस्तों। और डस्ट पार्टिकल थोड़ा बहुत आ जाता है इसके अंदर, कार्बन जमा हो जाता है, उस टाइम आपको क्लीन करना है, थोड़ा बहुत कुछ कार्बन है इसलिए इसको भी क्लीन करना पड़ेगा। और यहाँ पर इंटेक एयर सेंसर जो है लगा हुआ है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, इस दोनों स्क्रू को निकालना पड़ेगा, उसके बाद ये निकल जाएगा दोस्तों। इसका काम क्या है, कितना एयर आ रहा है क्या है वो बताते रहता है इसी को, इसका काम है। ये सेंसर निकल चुका है, आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर कुछ डस्ट पार्टिकल ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा आपको, उसको भी अच्छा से मैं क्लीन करूँगा, फिर से लगाएंगे दोस्तों, ठीक है। इसके लिए क्लीन करने के लिए आपको WD-40 का यूज करना पड़ेगा, देखिए मैं यूज कर रहा हूँ WD-40, अब WD स्प्रे आपको रखना पड़ेगा दोस्तों।
और आपके पास डिवाइस नहीं है तो ओबीडी स्कैनर रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी जितना भी BS6 बाइक आ रहा है बिना ओबीडी स्कैनर से आप कुछ नहीं कर पाओगे। अभी तो BS7 भी आ चुका है दोस्तों, उसके बारे में वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। अभी वीडियो आएगा दोस्तों, धीरे धीरे करके मैं वीडियो छोड़ूंगा, क्योंकि थोड़ा बिजी रह रहा हूँ दोस्तों, इसलिए वीडियो नहीं छोड़ पा रहा हूँ। ज़रूर वीडियो आएगा दोस्तों। देखिए आप लोग को मैं दिखा देता हूँ, सब कुछ मैं फिट कर चुका हूँ, फिर से आपको दिख रहा होगा, फिर फिटिंग कर दिया, फिर निकाल के क्लीन करने के बाद उसके बाद देखते हैं दोस्तों इसका प्रॉब्लम सट आउट होता है कि नहीं। थ्रॉटल बॉडी को भी मैं क्लीन कर दिया, उसका जितना भी है फिल्टर वगैरह स्पार्क प्लग से लेके जितना भी है सब कुछ, इंजेक्टर भी मैं क्लीन कर चुका हूँ। उसके बाद देखते हैं, हो सकता है अभी जो मिस फायरिंग का जो प्रॉब्लम आ रहा था वो चला जाएगा, मुझे जहाँ तक लग रहा है, अपडेट भी कर चुके हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं स्टार्ट करके, आपको दिख रहा होगा, देखिए मैं लगा चुका हूँ, उसका जो सेंसर निकाले थे वो सेंसर फिर से मैं लगा दिया हूँ, निकाला था तो उसको फिट हो चुका है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे ऑटो सेंसर जो लगा है उसको भी मैं क्लीन किया हूँ, जितना भी सेंसर है सबको मैं क्लीन कर दिया हूँ एक बार में, क्योंकि बार बार मुझे नहीं खोलना है तो इसलिए कर दिया हूँ दोस्तों। अभी मैं की ऑन कर चुका हूँ, यहाँ पे जो चेक इंजन लाइट कंटिन्यू आ रहा था वो भी चला गया, देखिए मीटर में अभी शो नहीं कर रहा है। फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए दोस्तों फिर से मैं ऑन कर दिया, फिर से अभी चला जाएगा दोस्तों, देखिए चेक इंजन लाइट चला गया। स्टार्ट करते हैं दोस्तों, उसके बाद देखिए स्टार्ट भी हो चुका है, देख पा रहे होंगे। अभी मैं थ्रॉटल दूंगा तो उसका जो प्रॉब्लम है जा रहा है कि मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, देखिए उसका फुल मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से एक बार, फुल थ्रॉटल दे रहे हैं, देखिए थ्रॉटल पूरा खींचे हैं फिर भी अभी ठीक है। पहले क्या हो रहा था, मिसिंग मार रहा था, वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुका है दोस्तों। अब देख पा रहे होंगे जो प्रॉब्लम था पहले वो सॉर्ट आउट हो चुका है, देखिए थ्रॉटल फुल दे रहे हैं फिर भी नहीं, आगे पीछे नहीं हो रहा है। पहले क्या हो रहा था, RPM जो है आगे पीछे ड्रॉप हो रहा था दोस्तों, जो RPM ड्रॉप हो रहा था वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुका है। आपके पास भी इस तरह कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप ऐसे सॉर्ट आउट कर सकते हो, नहीं तो आपको क्या करना है, उसका फ्यूल पंप जो है फ्यूल पंप को भी चेक करना है दोस्तों। फ्यूल पंप इंजेक्टर की वजह से भी ये मिसिंग प्रॉब्लम आता है, आपको दिखा देता हूँ। देखिए अभी ट्यूनिंग पे भी है, पहले क्या हो रहा था अप डाउन हो रहा था, ये फ्यूल पंप की वजह से भी ये प्रॉब्लम आता है, लेकिन इसका फ्यूल पंप का प्रॉब्लम नहीं था दोस्तों। तो आप लोगों के पास भी इस तरह कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इस तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हो, देखिए प्रॉब्लम हट गया दोस्तों। अभी मिसिंग जो प्रॉब्लम कर रहा था वो मिसिंग प्रॉब्लम ही चला गया, चेक लाइट भी चला गया। तो यहाँ पे जो नीटल बल्ब नहीं जल रहा है इसका कनेक्शन मैं यहाँ पे निकाल दिया हूँ दोस्तों, नीटल लाइट इसलिए नहीं जल रहा है, देखिए यहाँ पे इसको फिर से लगा देंगे दोस्तों, जलना चालू हो जाएगा। मैं यहाँ पे निकाल दिया था, देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे अभी जल रहा है, पहले क्या हो रहा था वो नहीं जल रहा था, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कुछ पूछना हो तो ज़रूर कमेंट करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, देखिए दोस्तों इस तरह से प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।